प्रश्न नंबर 4 है, एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करने के लिए इच्छुक है, दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः 4 रुपये और 5 रुपये है, उपभोक्ता की आय 20 रुपये, बजट रेखा का समीकरण क्या होगा? बजट रेखा का समीकरण आपका P1X1+P2X2 = M होता है। P1 P2 वस्तु वह वस्तु टू की वस्तु एक और वस्तु दो की कीमत है, X1 X2 वस्तु XY की क्रय की जाने वाली मात्राएं हैं और M क्या है? उपभोक्ता की आय है। सेकंड है आपका, उपभोक्ता यदि अपनी संपूर्ण आय वस्तु वन पर व्यय कर देगा तो उसकी कितनी मात्रा का उपभोग कर पाएगा? तो उसके लिए आपको ये वाले फॉर्मूले में रख के निकाल लेना है बजट रेखा, बजट समीकरण से जो है ये हो गया आपका, ये तो पूरा जीरो हो गया, बचा गया 2/4, 2 1 2 2 2 4 20 है, 4 5 20 तो 5 इकाई हो गया, ये 5 दे दिया आपको। यदि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय वस्तु वन के उपभोग पर व्यय कर देता है तो वह उस वस्तु की 5 इकाई कर पाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि उपभोक्ता अपनी सारी आय वस्तु टू पर, अभी वन पर था अभी टू पर व्यय कर दे तो वह उसी कितनी मात्रा का उपभोग कर पाएगा? वस्तु टू के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ये अब ये पूरा जीरो हो गया, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 इसमें आ जाएगा। उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय वस्तु टू के उपभोग पर व्यय करता है तो वह वस्तु टू की 4 इकाई क्रय करता है। नेक्स्ट है, बजट रेखा की प्रवणता क्या है? ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, बजट रेखा की प्रवणता जो है P1/P2 आपको बताया था मैंने, वो भी माइनस का P1/P2, 4/5 हो गया, ये हो गया बजट रेखा की प्रवणता, माइनस का 0.8 आ गया।